नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे बीए भाग द्वितीय के सेकंड पेपर सामाजिक अनुसंधान की विधियां। और इसमें हमने एक बहुत ही रोचक परीक्षा उपयोगी विषय का चयन किया है, प्रश्नावली क्वेश्चनियर का। और प्रश्नावली के संदर्भ में ये मेरी आपसे तीसरी मुलाकात है, तीसरी बार मुखातिर हो रहा हूँ मैं आपके सामने। हमने हमारे पिछले दो वीडियो में प्रश्नावली का सामान्य अर्थ, प्रश्नावली की परिभाषा, प्रश्नावली पे विभिन्न समाजशास्त्रियों के विद्वानों के विचार, प्रश्नावली की विशेषता, प्रश्नावली के उद्देश्य जैसे महत्वपूर्ण पक्षों पे हमने विस्तार से चर्चा की। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रश्नावली के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर, कि प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है। उनमें से इसका पहला प्रकार है, थोड़ी सी इसके प्रकारों पे और आप संक्षेप में समझ लें। प्रश्नावली की रचना, विषय वस्तु, प्रश्नों की प्रकृति आदि के आधार पर प्रश्नावली को विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। किस प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग कहाँ किया जाएगा, ये बहुत कुछ उत्तरदाताओं एवं क्षेत्र की विशेषताओं पर निर्भर करता है। लुंडबर्ग, पीवी यंग, कुटे हार्ट आदि ने प्रश्नावली के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया है। लुंडबर्ग ने दो प्रकार की प्रश्नावलियां बताई है, तथ्य संबंधित प्रश्नावली और मनोवृत्ति संबंधित प्रश्नावली। पीवी यंग अपने पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर बंद एवं खुली प्रश्नावली तथा प्रश्नावली की संरचना के आधार पर संरचित एवं असंरचित प्रश्नावली की विवेचना करते हैं। अन्य विद्वानों ने भी चित्रमय प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली आदि का उल्लेख किया है। अब हम क्रमवार प्रश्नावली के प्रकारों की चर्चा करेंगे, जिनमें पहला है तथ्य संबंधित प्रश्नावली, फैक्चुअल क्वेश्चनियर। इस प्रश्नावली का उपयोग किसी समूह की सामाजिक आर्थिक दशाओं से संबंधित तथ्यों का संग्रह करने के लिए किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति की आयु, आय, धर्म, जाति, शिक्षा, विवाह, व्यवसाय, पारिवारिक रचना, ऋणग्रस्तता आदि के बारे में सूचना संकलित करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। दूसरी है मत एवं मनोवृत्ति संबंधित प्रश्नावली, क्वेश्चनियर ऑफ ओपिनियन एंड एटीट्यूड। जब हम किसी विषय पर सूचनादाता की रुचि, राय, मत, विचारधारा, विश्वास एवं दृष्टिकोण जानना चाहते हैं, तो इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। बाजार सर्वेक्षण, जनमत संग्रह, विज्ञापन तथा टेलीविजन एवं रेडियो कार्यक्रमों के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए इसी प्रकार की
प्रश्नावलियों का निर्माण एवं प्रयोग किया जाता है। तीसरी है संरचित प्रश्नावली, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर। इस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व ही कर लिया जाता है। इसमें प्रश्नों की भाषा, शब्द, वाक्य आदि पहले से ही तय कर लिए जाते हैं, जिनमें अनुसंधानकर्ता अथवा साक्षात्कारकर्ता को अनुसंधान के दौरान परिवर्तन करने की कोई छूट नहीं होती। इसमें प्रश्नों का क्रम भी पूर्व निर्धारित होता है। इस प्रकार की प्रश्नावली का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित एवं समरूप उत्तर प्राप्त करना है। संरचित प्रश्नावली को परिभाषित करते हुए पीवी यंग अपने पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, मित्रों पुस्तकों का नाम याद रखें, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं आपको। पीवी यंग की पुस्तक का नाम क्या है? साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में संरचित प्रश्नावली को परिभाषित करते हुए कहते हैं, संरचित प्रश्नावली वह होती है जिसमें कि निश्चित, ठोस तथा पूर्व निर्धारित प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे आवश्यक सीमित प्रश्न भी रहते हैं जो अपर्याप्त उत्तरों के स्पष्टीकरण करने या अधिक विस्तृत प्रत्युत्तर पाने के लिए आवश्यक होते हैं। प्रश्नों का प्रकार चाहे प्रतिबंधित हो या अप्रतिबंधित, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उन प्रश्नों को पहले से ही न कि साक्षात्कार के समय लिखित रूप में दे दिया जाता है। जब उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए उत्तर अपर्याप्त, अस्पष्ट एवं अपूर्ण होते हैं तो साक्षात्कारकर्ता को अतिरिक्त प्रश्नों को पूछने की छूट दे दी जाती है। इस प्रकार की प्रश्नावलियों का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां औपचारिक अन्वेषण का संचालन करना हो, उनके आधार पर उपकल्पना का निर्माण करना हो, प्राथमिक तथ्यों का संकलन करना हो या संकलित तथ्यों की पुनर्परीक्षा करनी हो। अध्ययन क्षेत्र के विस्तृत होने पर भी इस प्रकार की प्रश्नावलियों का प्रयोग किया जाता है ताकि प्रश्नों के समान उत्तर प्राप्त किए जा सकें। इस प्रकार की प्रश्नावलियों के द्वारा सामाजिक आर्थिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। किसी विषय पर लोगों की राय जानने, प्रशासकीय नीति या परिवर्तन का अध्ययन करने, सामाजिक स्वास्थ्य, जन कल्याण की योजनाओं, लोगों के रहन सहन की दशाओं तथा आय व्यय आदि के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए भी संरचित प्रश्नावलियों का प्रयोग किया जाता है। अब अगली है चौथी, असंरचित प्रश्नावली, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर। असंरचित प्रश्नावली में पहले से प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जाता, वरन केवल उन विषयों एवं प्रसंगों का उल्लेख किया जाता है जिनके बारे में सूचनाएं संकलित करनी है। इस दृष्टि से असंरचित प्रश्नावली साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका के समान ही होती है। इसे स्पष्ट करते हुए पीवी यंग कहते हैं, असंरचित प्रश्नावलियां प्रायः साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका के रूप में लक्षित की जाती है, जिनका उद्देश्य
निश्चित विषय वस्तु क्षेत्रों को रखना तथा शुद्धता भी होता है, जिसके साक्षात्कार के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता होती है। साक्षात्कारकर्ता सीमाओं में रहते हुए आकार को व्यवस्थित करने तथा पूछताछ के समय के निर्धारित करने में स्वतंत्र रहता है। प्रश्नावली में साक्षात्कार नहीं होता, क्योंकि वे डाक द्वारा प्रेषित की जाती है। अतः संरचित प्रश्नावली अनुसूची का ही एक रूप होती है। इस प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग मनोविश्लेषणात्मक साक्षात्कारों, अनौपचारिक एवं गहन अध्ययनों के लिए किया जाता है। असंरचित प्रश्नावली का प्रमुख गुण इसका लचीलापन है, अर्थात इसमें अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के तरीकों में परिवर्तन कर सकता है। संरचित प्रश्नावली में उत्तरदाता उत्तर देने में बाध्य होता है, जबकि असंरचित प्रश्नावली में उत्तरदाता खुलकर अपने को अभिव्यक्त करता है। सूचनादाता की विश्वासों, दृष्टिकोणों एवं विचारों को जानने के लिए इस प्रकार की प्रश्नावलियाँ अधिक उपयोगी होती है। अब कल मित्रों हम इसके अन्य प्रकारों पे और विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, आनंदित रहें, अध्ययन अध्यापन में अपने आप को व्यस्त रखें। ये YouTube पे जो आपको वीडियोस सेंड किए जा रहे हैं, WhatsApp पे जो अध्ययन सामग्री ई कंटेंट्स PDF नोट्स भेजे जा रहे हैं, इनका आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इनका अवलोकन करें, अपने अन्य मित्रों तक पहुँचाएँ और इन्हें लाइक सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें, अपनी जिज्ञासा समस्याएं पूछें। इन्हीं विश्वासों के साथ आप सबको मकर संक्रांति की शुभकामना। सुप्रभात।